ये है हमारा छोटा सा कैंप, और इतनी सुंदर जगह में देखो चारों तरफ कैंप ही कैंप लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी। तो वो रूट है जहाँ से हम लोग आए, और अभी मॉर्निंग मॉर्निंग हो रही है, और मॉर्निंग की हो रहे हैं 5:30, 5:30 बज रहे हैं। और एक और चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे व्यू दिखा, वो व्यू देखिए, हर हर महादेव, चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियों से घिरे हैं हम लोग। और इधर देखो, ये जो पहाड़ है इन पे जो वाइट वाइट दिख रही है, ये स्नो है, ठीक है, और ऊपर कुछ ज़्यादा है, लेकिन जो स्नो इधर है हमको वहाँ जाना है, तो चलिए चलते हैं। तो वहाँ था अपना कैंप, और अब हम चल रहे हैं केदारनाथ। यहाँ से है 1 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर है, 1.9 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग पीते हैं चाय। तो अभी सुबह सुबह अंकल भी फेस वॉश कर रहे थे, और उन्होंने हमारे लिए चाय बना रहे हैं। तो अंकल थोड़ी अच्छी सी कड़क बनाना, क्योंकि ठंड बहुत है, ठीक है। तो चाय वगैरह पी ली है, और हमारे फ़ोन का चार्जर भी हो गया है। तो सामने व्यू देखो, और ये वही व्यू है जो केदारनाथ मंदिर से दिखता है, पीछे की साइड वाला। और माउंटेन में देख सकते हैं आप, धूप आ रही है, और इधर भी देखो। और आप अगर घोड़े से आते हो तो आपको जो मैंने पहला रूट बताया, तो 2 किलोमीटर पहले छोड़ देंगे, और अगर यहाँ से जाना है तो आपको यहीं से घोड़े मिल जाएंगे केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले। तो अभी हम लाइन में लगे हैं, और 1 किलोमीटर की लाइन है, ये देख सकते हो आप पीछे से लेके, ये हम लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं, और ये आगे तक जा रही है लाइन। और ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये ब्रिज के वहाँ पर चेकिंग हो रही है, उसके बाद में ऊपर जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये रिबिन वगैरह बांध रहे हैं, ये काउंटिंग के लिए बांध रहे हैं आप लोग? काउंटिंग भी होती है इससे, और उससे दर्शन के लिए भी होता है। अच्छा, ताकि कोई बीच में ना घुसे। नहीं नहीं, ऐसा ये सही बात है, जिसका टैग होगा उसका दर्शन होगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो ये हमारा हो चुका है, लग चुका है टैग, अब हमें कोई नहीं रोक सकता ऊपर जाने से। तो बस कुछ देर और, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री केदार। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बाबा का फर्स्ट व्यू। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू। बस बाबा, कुछ देर और फिर हम आने वाले, हर हर महादेव। तो यहाँ ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है, और उसी के साथ जो बाबा केदार है उनके ऊपर भी ये धूप की छाया पड़ रही है, मतलब ऑसम, जन्नत है भाई, जन्नत 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 जन्नत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, शराय शिव रामेश्वर। तो मंदिर तक जाने के लिए थोड़ी सी और लाइन लग चुकी है, तो वो लाइन में हम लोग भी लग गए हैं। तो जिस चीज़ का आप इतने दिनों से वेट कर रहे थे, मैं भी बहुत कर रहा था, तो वो नज़ारा फाइनली अब आ गया आपके सामने। तो नज़ारा देखने से पहले, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री केदार। तो देखिए फर्स्ट व्यू। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका। जब पांडवों का अंत हुआ था
मतलब महाभारत में था जब अंतिम बात है तो पांडवों पे उनके परिवार वालों को मारने के लिए दोष लगा था और वो मतलब पाप में पड़ गए थे। वो पाप से बाहर निकलने के लिए वो महादेव को ढूंढते ढूंढते हिमालय की ओर आए लेकिन वहाँ पर भी देखा, फिर भी दर्शन देना नहीं चाह भगवान, नहीं चाह माया भी रूप का भैंस का यहाँ पे भैंसी भैंस नजर आई। तो जब वो आते ना याक वगैरह मतलब नंदी समझ लो, तो नंदी के रूप में यहाँ बहुत सारे नंदी थे, तो बाबा जो थे वो दर्शन देना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनको उनको माफ नहीं करना था, अगर वो माफ नहीं करते तो उनको स्वर्ग नहीं मिलता। तो यहाँ पर बहुत सारे याक थे नंदी हो, तो भगवान भगवान भी उनमें बन गए थे ताकि दर्शन नहीं देना था। तो जो भीम है उसने भीम शायद इतना रौद्र रूप धारण कर, उसको पता था कि भगवान इसी में एक एक पैर रखा इस पहाड़ पे ऊपर, एक पैर रखा इस इधर इधर एक पहाड़ है वहाँ पर, और जितने भी भैंस वगैरह थे मतलब जो नंदी वगैरह थे वो नीचे से निकल गए लेकिन महादेव नहीं निकल सकते, और वो नीचे घुस रहे थे, वो नीचे घुस रहे थे, तो उनको भीम था अर्जुन शायद, उसने जो ऊपर का जो आता है पीछे का कुबेर टाइप में वो पकड़ लिया, तो भगवान ने दर्शन दिए फिर उनको माफ करा, और तब से यहाँ पर अंदर है शिवलिंग नहीं है, अंदर ऊपर से जो कुबेर था ना वो बना हुआ, तो ये स्टोरी है। तो हमारी लाइन लगी थी वहाँ से और यहाँ से हम लोग इतना कवर किया, और यहाँ से ये कवर करते करते हम लोग जा रहे हैं यहाँ, और अब होगा यहाँ से बाबा के दर्शन। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर। दो मिनट बाबा, तो आप लोगों ने देखा अभी हम लोगों के दर्शन हो चुके थे, और पता नहीं सही है या गलत है ये ब्लॉग का जो अंदर का जो व्यू है वो डालना, लेकिन मुझे दिखाना था इसलिए मैंने अंदर का व्यू भी लिया, और बहुत प्रॉब्लम हो गई थी शायद, तो फिर भी मैंने अंदर का व्यू लिया और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दर्शन हुए। अब जो मंदिर है उसकी जो पीछे की जो वो है भीमशिला, जिन्होंने आपदा के टाइम पे मंदिर को सेव किया था वो वगैरह, और अभी हम लोग चारों तरफ घूमेंगे। तो ये थे बाबा श्री केदारनाथ जी के दर्शन, और अभी हम थोड़ी देर बाद, अभी मुझे भूख वगैरह लगी है तो खाना खाता हूँ, उसके बाद में फ़ोन वगैरह भी चार्ज करना है तो फ़ोन वगैरह चार्ज करता हूँ। तो एक यहाँ पर शॉप है, तो चलिए शॉप तो से आपको बहुत सारी मिल जाएगी, खाने की कोई दिक्कत नहीं केदारनाथ में, चढ़ाव से लेके कहीं तक भी। तो अभी खाना खाते भैया, क्या क्या मिल जाएगा खाने में? हाँ ठीक है, तो एक काम करो, पराठा का है, आलू पराठा, एक आलू पराठा लगा दो। तो हमारा पराठा नाश्ता हो चुका है यहाँ पे, और भैया ने हमें पराठा खिलाया, तो भैया थैंक यू, और इन्होंने मुझे रास्ता बताया जहाँ से ओरिजिनल रुद्राक्ष अपन ले सकते हैं, तो हम लोग निकलेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ जाने की और लेके ही जाना है, तो ठीक है भैया थैंक यू। तो देखो यहाँ से अभी हम लोग इससे पहले आए तो सब सारा क्लियर था, लेकिन जो बादल है वो अब देखो वहाँ ऊपर भी कवर कर रहे हैं, और यहाँ पर भी शायद देखो आप कोहरा हो चुका है, तो अभी यहाँ पर बोला है कि 2 बजे बाद बारिश होती ही होती है। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के पीछे की साइड, जहाँ पर ये चट्टान है जिसको बोलते हैं भीमशिला। इसका नाम भीमशिला क्यों पड़ा? एक्चुअली जब 2013 में जब आपदा आई थी, तो जो आपदा आई थी वो वहाँ से आई थी, वहाँ से आप देख सकते हो कि जो पानी आया था
उसने मतलब पूरा रूट ही बना लिया, तो वो जो पानी था वो सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आया, और तब तो पूरा उफान में था तो वहाँ तक चल रहा था। जैसे बता दूँ ये जो दिख रहा है ना, इतना इतना पानी चल रहा था, और इधर साइड ये टूटा टूटा दिख रहा है ना, यहाँ तक था पानी। अब आप सोचो कि क्या हालत हुई होगी उस टाइम की, और उस टाइम का जो रूट है, ठीक है, अभी हम लोगों का रूट है तो इधर से आए थे हम लोग, और ये रूट था, ये जो रूट है ना ये भी बंद है, इसके आगे नीचे नीचे कुछ कुछ टूटा हुआ है, और ये भी टूटा हुआ है, और आप देख सकते हो यहाँ पर भी है। अभी हम लोग ट्राई करेंगे ऊपर जाने की, ऊपर से व्यू बताएंगे। हाँ, तो ये थी भीमशिला। जब पानी, जब माता जी पूरी अपनी उफान में चल रही थी तो पानी इतना आ रहा था मंदिर तरफ, तो जब ऊपर से ये चट्टान पता नहीं कहाँ से आई, इतनी बड़ी चट्टान है ये, और जो इसे रखा नहीं गया है, ये ऐसा ही यहाँ आके अटक गई है, ठीक है। तो ऊपर से ये आई और चट्टान मंदिर को कवर करने के लिए पीछे रह गई, तो पीछे तो पानी जो था वो फिर मंदिर की तरफ ना जाके मुड़ गया, एक थोड़ा इधर से चले गया और उधर दो रास्ते बन गए, तो मंदिर के आइट साइड से पानी गया, तो ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है। तो ये थी भीमशिला, आप देख सकते हो कि कितनी मतलब किस तरीके से कवर किया होगा इसने मंदिर को, मतलब इतना बड़ा पत्थर, अगर ये चाहता तो मंदिर से टकरा सकता था, लेकिन ये यहीं आकर रुक गया इतने पानी में। तो ये थी केदारनाथ यात्रा, और मंदिर का व्यू वगैरह दिखा दिया और मेन पॉइंट दिखा दिया। अब तो नेक्स्ट व्लॉग में आप वो देखोगे, और आपदा का पूरा कारण देखोगे कि क्या हुआ था, क्यों आपदा आई थी, और क्या रीज़न था जो यहाँ के लोगों को मतलब यहाँ के लोगों का क्या सोचना है उसके बारे में वो बताऊँगा। और पीछे जो ये इधर साइड जो रास्ता देख रहे हो ना आप, इधर और सॉरी इधर वाला ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये टूटा हुआ है, तो इसे भी मैं जूम करके बताऊंगा कि कितना रास्ता था पहले और अब कैसा है, और अभी बारिश स्टार्ट हो गई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा खुशी होगी क्योंकि मैं आप तक ये सारी जानकारी पहुँचा रहा हूँ। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, तो हर हर महादेव, जय श्री महाकाल और जय श्री केदारनाथ।